नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी, और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 123वीं किस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सूरह बकरा की आज 3 आयतों यानी आयत नंबर 137, 138 और 139 की तफसीर पेश करें। आइए तिलावत कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون। तर्जुमा यह है कि सो अगर ये अहले किताब इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम लाए हो तो वो भी हिदायत पा लेंगे, और अगर इससे मुंह फेरें तो जाहिर है कि वो मुखालिफत में पड़ गए हैं, लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफ़ी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। हमने अल्लाह का रंग कबूल किया, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है, हम तो उसी के इबादत करते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहिए क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, जबकि वही हमारा और तुम्हारा रब है। हमारे आमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी खालिस कर चुके हैं। नाज़निगरानी, फरमाया गया फ़ैन आमनु बिमिस्लिमा आमन तुम बिही फ़कद इहतदौ, यानी सो अगर ये अहले किताब इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम लाए हो तो वो भी हिदायत पा लेंगे। आयत के इस हिस्से में एक बहुत अहम पैगाम पोशीदा है, थोड़े से गौर फिक्र के बाद ये हकीकत समझ में आ जाएगी। इसमें अहले किताब का जिक्र है तो कुरान को समझ कर तिलावत करने वाले का ख्याल अक्लत उन अहले किताब ग्रोहों की जानिब जाता है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब थे, यानी यहूद व नसारा, जो अगरचे के बजाय खुद एक हकीकत है लेकिन इस हकीकत में ये बात भी पोशीदा है कि यहाँ तज़किरा सिर्फ यहूद व नसारा अहले किताब का है नहीं है, बल्कि इशारा उन मुसलमान अहले किताब की तरफ भी है जो क़ियामत तक दुनिया में पैदा होते रहेंगे, कि अगर मुसलमान जो कुरान पर ईमान रखने की वजह से अहले किताब के ग्रोह में शामिल हो गए हैं, उनके लिए भी यही पैगाम है कि जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ईमान लाए थे, अगर उन जैसा ईमान मुसलमानों का ना होगा तो मुसलमान होने के बावजूद हिदायत से महरूम रह जाएंगे। फिर इरशाद फरमाया गया वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक, यानी अगर उससे मुंह फेरे तो जाहिर है कि वो मुखालिफत में पड़ गए हैं, और ये मुखालिफत महज जिद और हटदर्मी की वजह से होगी। आज भी अगर मुसलमान अपने ईमान को सहाबा के ईमान की तरह नहीं बना लेते हैं तो इनका शुमार भी मुंह फेरे में फेरने वालों में होगा। ये हम सब के लिए एक तंबीह है कि खुद को मुखालिफत करने वालों में शामिल करने से गुरेज करें और पैगाम इलाही से मुँह न फेरें। आज हमारा हाल ये है कि हम किताब हिदायत को ताकों में सजा रखा है और हमें इसके पैगाम को पढ़ने और समझने की फुर्सत नहीं। क्या हमने अमलन इससे मुंह फेर लिया है? क्या हम भी मुखालिफत में पड़ गए हैं? ये सोचने की बात है। फिर आगे इरशाद फरमाया गया नाज़ने गिरामी फसा यक फी कहुमुल्लाहु वहुवा समीउल अलीम, यानी इनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफ़ी है और वह सब कुछ सुनता और जानता है, यानी इत्मीनान रखो पर ज़रूर अल्लाह की हिमायत काफ़ी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनके सहाबा के लिए और उन सारे अहले ईमान के लिए जिनका ईमान सच्चा है। मौलाना अब्दुल हय फारूकी लिखते हैं
कुरान मजीद ने अपनी सदाकत और अपने कलाम इलाही होने का सबूत देकर अहले किताब को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, उनके बातिल अकीदों की तरदीद की, गलत आरजुओं को बेहुदा करार दिया और उन्हीं के दलाइल से साबित कर दिया कि जिस तरह इब्राहिमी दीन पर कायम होने का वो दावा करते हैं उसकी असल शक्ल उनके पास बाकी नहीं रही। अब इस कदीम दीन की असल शक्ल कुरान मजीद पेश कर रहा है, इसीलिए उन्हें बहर सूरत इस्लाम कबूल करके दीन और दुनिया की फलाह हासिल करनी चाहिए। वाज़ो नसीहत की बातें सुनकर भी यहूद और नसारा अपनी जिद और हट पर कायम रहे, बल्कि खुद इस्लाम कबूल करने के बजाय उल्टा मुसलमानों को दावत देते रहे कि वो यहूदियत और ईसाइत इख्तियार कर लें। इससे ज्यादा ढटाई, तासुब और खुदगर्जी और क्या हो सकती है। ईसाइत में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारा पैगाम पहुंचाकर अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। अब अगर ये लोग अपना भला चाहते हैं तो इस्लाम कबूल कर लें, कामयाब हो जाएंगे, हम उनके पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ कहने सुनने के बाद भी उससे मुंह फेरें तो फिर ये उनकी सख्त दिली और हरदर्मी है और कुछ नहीं। ऐ पैगंबर, इन लोगों की ज़िद और दुश्मनी तासुब का आप कुछ ना करें, उनसे निमटने के लिए आपकी तरफ से हम काफ़ी हैं। हम यकीनन उन सब की बातें सुनते हैं और उनके दिलों के अहवाल और ज़ाहिर व बातिन सब जानते हैं। आयत के आखिरी हिस्से में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस कदर आला बशारत है कि तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है, भला अल्लाह जिसका हो जाए उसे और किसकी ज़रूरत रह जाती है, वो मौलाए करीम जिसका दस्तगीर हो जाए उसे किसी और का सहारा दरकार नहीं है। आगे की आयत है, सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन वनहनु लहू आबिदून, यानी हमने अल्लाह का रंग कबूल किया और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है, हम तो उसी की इबादत करते हैं। अल्लाह का रंग से यहाँ मुराद दीन इस्लाम है, यानी अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है, यानी दीन इस्लाम से बेहतर और कौन सा मजहब हो सकता है, और हम सब उसी के इबादत गुजार हैं। मौलाना अब्दुल हय फारूकी लिखते हैं, सिबगतुल्लाह अल्लाह का रंग मुराद है अल्लाह का दीन। मुहावरे के एतबार से यहाँ एक लफ्ज़ महजूफ़ है, यानी हमने कबूल किया, इस तरह पूरे जुमले का मानी यूँ होंगे, हमने अल्लाह का रंग यानी अल्लाह का दीन कबूल किया। अहले किताब यहूदी और ईसाई अपने बच्चों को रंगदार पानी में बिठाते हैं और कोई मसीह का दीन कबूल करे तो उस पर रंगीन पानी छिड़कते हैं, इसे इस्तिबा यानी बपतस्मा कहते हैं। गोया उनके नज़दीक ईसाइत का रंग पानी से चढ़ता है, हालांकि असल रंग वो जो ईमान और किरदार से पैदा हो। आगे की आयत है, यानी कुल अतुहाजूनना फिल्लाही वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहिए, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, जबकि वही हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे आमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी खालिस कर चुके हैं। अल्लाह की ज़ात तो हर किस्म के शक व शुबे से बालातर है, और वो हमारा रब है और वो तुम्हारा रब है, वो तो इस पूरी कायनात का रब है, उसके नज़दीक मुकर्रब वही है जो उसका इबादत गुजार है और खालिस उसी का बंदा बनकर रहता है। हमारे आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, हर कोई सिर्फ अपने ही आमाल का जिम्मेदार है, और सिर्फ बुजुर्गों से निस्बत कोई सूदमंद कामयाबी की जमानत नहीं बन सकती, और हम इसी अल्लाह ताला के लिए अपनी बंदगी खालिस कर चुके हैं। ये महज उसी का फजल व करम है कि उसने खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हमें इस्लाम और ईमान की नेमत से नवाजा और हम खुलूस से उसके इबादत में मसरूफ हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये आयात थी जिसका तर्जुमा और तफसीर पेश की, इसकी हिकमत और बसीरत क्या है इन आयात की, इस पर अगर रोशनी डाली जाए तो नंबर एक निकल कर के आता है कि ईमान वही कामिल हो सकता है जिसे पूरे इंशिराह सदर से कबूल किया जाए, जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने कबूल किया। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर तुम दावत ईमान ऐसी कबूल करो जैसा कि उन नफूस कुदसिया ने कबूल किया है तो यकीनन राहयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। नंबर दो यह है कि तंगदिली और तासुब, ज़िद और हरदर्मी राय हक कबूल करने में हमेशा मानी रही। जब इंसान इससे आज़ाद होकर गौर व फिक्र करता है तो हक व सदाकत रोज़ रोशन की तरह वाज़ह हो जाती है और उसे समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती।
نمبر تین یہ ہے کہ مصائب و تکالیف میں مخالفتوں اور منکروں کے مقابلے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہوتی ہے، لہذا مومن کو بھی شکستہ دل اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ اللہ کا رنگ یعنی دین اسلام ہی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتر اور اچھی راہ ہے۔ اور پھر آگے غور کیا جائے تو حسب و نسب نہیں بلکہ اعمال صالحہ ہی کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں۔ تمام چیزوں کا جانب ہمیں اشارہ کرتی ہیں یہ آیتیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی میں مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔